नमस्ते दोस्तों, केम छो बजामा। मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो मैंने बालसम की सीडलिंग रिपोर्ट की थी और साथ में सनफ्लावर के भी सीड लगाए थे, तो उनका अपडेट देने जा रहा हूं और इनमें क्या फर्टिलाइज़र मैंने दिया है और किस तरह देखभाल करता हूँ वो आपको बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे बालसम जो अब फ्लावरिंग स्टार्ट करेंगे कुछ ही समय में, इन सब में कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये सब मैंने सीड से ग्रो किए थे और इनको रिपोर्ट किया, लगभग 20 से 25 दिन का समय हो गया होगा। काफ़ी सारे बड़े बड़े भी हो गए हैं, ये देखिए। तो सब में कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई। तो जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था तो इनके लिए जो मिट्टी बनाई थी वो मिट्टी में मैंने सब में पुरानी गमले की मिट्टी ली थी और उसमें 30% खाद मिला दी थी, गोबर की खाद मिलाई थी मैंने मिट्टी में और थोड़े से राइस हस्क जो चावल के छिलके आते वो, क्योंकि मैं जो ये प्लांट लगाए थे उनमें रिवर सैंड का इस्तेमाल नहीं किया था। जो हमारी सीडलिंग रहती है उनको हम रिपोर्ट करते हैं वो करते, तो ऐसे जो सीजनल फ्लावर रहते हैं उसमें सैंड का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं राइस हस्क यूज़ कर लेता हूँ। सैंड से क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है फिर बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन हो जाती है और इसको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए सीजनल प्लांट को, इसीलिए इसमें मैं सैंड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इस तरह से मैंने मिट्टी तैयार की थी और मिट्टी तैयार करने के बाद मैंने प्लांट को रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्टिंग के बाद इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो। ये सनफ्लावर के मैंने 3-4 सीड लगाए थे तो सभी जर्मिनेट हुए थे। ये देखिए, इसको मैंने पहले रिपोर्ट किया था इसमें, तो इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो। और ये सब बाद में मैंने गमले से निकाले, एक यहाँ है और दो पीछे की तरफ वहाँ पड़े हैं। ये भी बालसम है, यहाँ पे देखिए ये बालसम काफ़ी बड़े हो गए और ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, पर मैंने क्या किया कि ये प्लांट मुझे रिपोर्ट करना था एक, तो पूरे गमले से बाहर निकाल दिया, तो ये मेरा ये प्लांट ख़राब हो रहा है। देखिए ये मतलब मर गया, उसकी जगह मैंने दो दूसरे अभी कल ही रिपोर्ट कर दिए तो वो हो जाएंगे। तो अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, इसमें क्या फर्टिलाइज़र। तो मिट्टी की गुड़ाई करके मैंने अभी कल ही इसमें एक एक मुट्ठी के बराबर गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दे दिया है और इसको मैं वाटरिंग रेगुलर करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है बिल्कुल भी और गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में क्या है कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमें बना के रखना है, क्योंकि हम इसको एक दिन पानी नहीं देंगे ना तो क्या होगा कि इसकी मिट्टी सूख जाएगी और प्लांट हमारा लटक जाएगा। और ऐसा बार बार होने से क्या है कि प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है और फ्लावरिंग इतनी अच्छी देता नहीं हमें, और जो फ्लावर की साइज़ होती है वो भी छोटी हो जाती है। तो इसीलिए हमें एक काम ये करना है कि इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना है, मिट्टी गीली रखे। आप देखिए पौधे की, यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक के गमले में जो है ये मैंने बाद में रिपोर्ट किए थे, तो देख सकते हो अब ये भी सेट हो गए अच्छे से। तो इसलिए आपको क्या है कि मिट्टी की गुड़ाई करिए हफ्ते में एक बार और पानी दे दीजिए, पानी हर रोज डेली सुबह या मॉर्निंग में या शाम को जब भी आपको टाइम मिले आप इसमें पानी दे सकते हो। मैंने इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि सीजनल फ्लावर में केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। परमानेंट में क्या है कि कभी कभी मैं डाल देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो डाल देता हूँ, और ख़ासकर मैं एडेनियम में डालता हूँ, बाकी सब जो गुड़हल है वो सब प्लांट है उनमें नहीं यूज़ करता, उनमें जब फ्लावरिंग होनी होती है तब हो जाती है, बाकी मैं इन सब में गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो अब बात आती है कि आप इस टाइम इसके सीड लगा सकते हो, हाँ इस टाइम भी आप इसके सीड लगा सकते हो, इसकी जर्मिनेशन अच्छी मिलेगी आपको। तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी आते हैं और बहुत खूबसूरत भी पौधा दिखता है। तो अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे जगह पे प्लेस करें। तो मैंने जहाँ पे रखा है वहाँ इनको सुबह मतलब 8 बजे धूप निकलती है तब से लेके 11-12 बजे तक की अच्छी धूप मिलती है, 12 से 1 भी बज जाता होगा तब तक की धूप आती है। तो वैसे जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ इसको अच्छी धूप मिले, क्योंकि सीजनल फ्लावर रहते हैं ये वाला, तो उनको धूप अच्छी चाहिए, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतने अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी उतनी अच्छी करेगा। तो इसीलिए उसको अच्छी धूप मिले वैसी जगह पर आप रखिए। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।